देखिए इसमें हम लोगों को जो पार्ट देखना है दैट इज द थर्मोमेट्री, एक एक पार्ट करके देख लीजिए। थर्मोमेट्री देखिए, एज द नेम सजेस्ट, थर्मो थर्मल दैट इज टेम्परेचर, मैट्री मैट्रिक दैट इज द मेजरमेंट, मीन्स मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग को मोस्टली टेम्परेचर मेजरमेंट सीखना है। टेम्परेचर मेजरमेंट्स में जाने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि टेम्परेचर की कई स्केल हैं आपके पास। मोस्टली जो यूज करते हैं फारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, रैंकाइन है एंड रियोमर स्केल है। तो इनके इंटर कन्वर्जन का एक फार्मूला है, ठीक है। तो वो फार्मूला हम पहले तो लिख दे रहे हैं, याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। आया कहाँ से ये डिराइव हो जाएगा, आगे चल के डिराइव होगा। सबसे पहले हम आपको ग्राफिकल डेरिवेशन बता रहे हैं जो 2019 के लिए इम्पॉर्टेंट है। केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, ठीक है, इनका ग्राफिकल वेरिएशन कैसा दिखेगा द फर्स्ट थिंग। और दूसरा, अगर एक टेम्परेचर स्केल में रीडिंग नोन है तो क्या दूसरे टेम्परेचर स्केल में रीडिंग हम नहीं निकाल लेंगे फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके? या एक टेम्परेचर स्केल में हमें बताएगा कि इतने डिग्री से टेम्परेचर वेरी कर गया तो दूसरे टेम्परेचर स्केल पर वो वेरिएशन कितना होगा? तो इन सबको कैलकुलेट कैसे करते हैं एक एक लाइन में देखिए। सबसे पहले तो आप थर्मोमेट्री में जो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं उनके लिए एक फार्मूला देखते हैं। एफ माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू सी बाई 5 इज इक्वल टू आर बाई 4 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाई 5 इज इक्वल टू रैंकाइन में आइए आप, सबसे कम या एकदम में नहीं यूज होता है ये, माइनस 460 अपॉन 10.6। ये फार्मूला अगर आप जान रहे हैं तो आप एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फारेनहाइट है इन फारेनहाइट स्केल, तो बताइए ये सेल्सियस स्केल में कितना होगा, हाउ मच इन डिग्री सेल्सियस। तो जनरली याद ही रहता है आपको 37 डिग्री है, तो ये आता कैसे होगा? अगर आप फारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे आप, फारेनहाइट वैल्यू 98.4 यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, और सी को सी रहने देंगे। मीन्स आप एफ माइनस 32/9 सी बाई 5 का इस्तेमाल करिए, मैं फारेनहाइट को आप रखिए 98.4, ये हो जाएगा माइनस 32 अपान ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू सी, डिग्री सेल्सियस में जानना है से द वैल्यू इज सी अपान 5, सॉल्व हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने पर आपको मिलता है 37 डिग्री। मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल में 98.4 था इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये कि एक ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल में सेम वैल्यू रखता है। बड़ी सिंपल सी बात है, एफ रिप्लेस बाई एक्स, सी रिप्लेस बाई एक्स, और टेम्परेचर विच हैज सेम वैल्यू इन बोथ ऑफ द स्केल से दैट इज द एक्स वैल्यू से Then F is to be X, C is to be X, तो आपको मिल नहीं जाएगा। यानी दूसरा हम ये कह रहे हैं कि डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में वो बराबर होता है। इसका मतलब है X डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू X डिग्री सेल्सियस, यही कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी रीडिंग है जो डिग्री फारेनहाइट में भी उतनी वैल्यू शो करता है जितना कि डिग्री सेल्सियस में। अगर ऐसा है तो आपके पास आप F की जगह X रख दीजिए, माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सी, सी की भी वैल्यू कह रहे हैं एक्स है अपान 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए 5x माइनस 5 इंटू 32 इज इक्वल टू 9x, जिसको उधर कर लें दिस बिकम्स नाउ माइनस 5 इंटू 32, जब इसको उधर ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा, 9x में से 5x चला जाएगा, 4x बचेगा, 4x नाउ 4 8 जा एंड 8 5 जा 40, क्लियर है वो टेम्परेचर क्या है।
40 degree Celsius is equal to -40 degree Fahrenheit. यानी कि -40 degree is a temperature which has same value either in Celsius scale or in Fahrenheit scale. तीसरा जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया है is that अगर मैं आपसे कहता 32 degree Fahrenheit is equal to how much in degree Celsius? क्या करते हैं आप? Fahrenheit value आपके पास 32 है और Celsius वाली आप जानना चाहते हैं. आप Fahrenheit की जगह रख दीजिए 32, तो Celsius नहीं आ जाएगा. Answer है 0 degree. यानी जो reading 32 Fahrenheit होती है in Fahrenheit scale, वो degree Celsius में 0 होती है. यानी आपके पास ये सॉल्व करते तो आपको आंसर मिलता 0 degree Celsius. क्लियर है? चौथा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया कन्वर्जन का इज दैट कि आप बताइए कि 212 degree Fahrenheit इज इक्वल टू हाउ मच इन डिग्री सेल्सियस. तो फिर तो वही करना है, आपको f फॉरेनहाइट में वैल्यू 212 रख देना है और कॉरेस्पॉन्डिंग c को c मान के चलिए. सॉल्व करते करते आपको मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस. अब जरा कुछ चीजें याद कर लीजिए ताकि इसके बाद न्यूमेरिकल में आपका टाइम बच सके. क्या 0 डिग्री सेल्सियस को आइस पॉइंट या फ्रीज पॉइंट नहीं कहते? सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि फॉरेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा. और 212 डिग्री फारेनहाइट बॉइलिंग कह लीजिए चाहे वेपर टेम्परेचर. यानी कि जो सेल्सियस में 100 डिग्री होता है वो फारेनहाइट में 212 डिग्री. ठीक है, ये पहला पार्ट था. दूसरा पार्ट देखिए ग्राफिकल वेरिएशन. ठीक है, तीसरा पार्ट देखिए डेप्रिसिएशन. ये सब फिट क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछे जाते थे ऑल इंडिया लेवल पर जाने की वजह से अब आपके नीट के पार्ट होंगे. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें नहीं वो याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं. वो याद करने का हम आपको कहाँ से आया वो भी डिस्कस कर देते हैं, वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगा. वैसे अगर याद है तो बहुत सा काम आपका आसानी से हो जाएगा. अब अगर हम इसमें दूसरे पार्ट में आए ग्राफिकल वेरिएशन, ग्राफिकल वेरिएशन, तो ग्राफिकल वेरिएशन कहता है कि हमसे कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस वर्सेस डिग्री फारेनहाइट. ध्यान से देखिए, डिग्री फारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेल्सियस, मतलब समझ रहे हैं फारेनहाइट में होने वाले वेरिएशन के लिए डिग्री सेल्सियस में होने वाला वेरिएशन कैसा होगा, कैसा ग्राफ आता. ठीक है, यानी फारेनहाइट 1 फारेनहाइट 2 फारेनहाइट 3 फारेनहाइट 4 फारेनहाइट, तो बदले में सेल्सियस में क्या रीडिंग आती होगी एंड वाइस वर्सा. अगर मैं आपसे कहता कि आप सेल्सियस, इसको बोलते हैं ना सेल्सियस एज द फंक्शन ऑफ फारेनहाइट, और इसको बोलेंगे फारेनहाइट एज द फंक्शन ऑफ सेल्सियस. ठीक है, और यहां अगर आप देखें तो आपके पास ये रिलेशन आएगा, दैट इज आप सेल्सियस को इस पर रखिए और फारेनहाइट को इस पर रखिए. क्लियर है इतना? अब सोचिए आपको सी और एफ में ग्राफ चाहिए ना, और सी और एफ में ग्राफ चाहिए तो आप क्या करें? अगर आप सी एज अ फंक्शन ऑफ एफ पा जाते तो ग्राफ खींच लेते ना, सी एज अ फंक्शन ऑफ एफ. तो सोचिए सी और एफ में क्या रिलेशन होता है, क्या ये रिलेशन नहीं होता है एफ माइनस 32/9 is equal to c by 5. आपको क्या चाहिए? c as the function of f चाहिए. c चाहिए एक तरफ और बाकी सब एक तरफ. देखिए तो 5 को इधर कैसा दिखेगा, ये 5/9 f minus 5 into 32 is equal to c. क्या आपको नहीं दिख रहा है? degree celsius is equal to 5/9 degree fahrenheit minus 160. ये दिखा क्या, ये ऐसा नहीं दिख रहा है? y is equal to mx plus c, ये उधर जाएगा तो ठीक तो है, ये ऐसे है, इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में तो ये तो रह जाएगा. अरे c is equal to 5/9 f minus this, c is equal to 5/9 f minus this, सही है. और minus c होगा,
कहा माइनस सी ओ। अरे भाई इसको पहले लिख लिए, इसको यही रहने दिए, इज इक्वल टू से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्केल पर फारेनहाइट है, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव और इंटर, ये ग्राफ आएगा ये। ठीक है, दिस मीन्स दैट ये जो ये आ रहा है यहाँ क्या है, ये वैल्यू अगर स्लोप देखें आप तो स्लोप आपको मिल रहा है 5/9 और इंटरसेप्ट दिख रहा है कितना मिलेगा, -160 नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये y इक्वल टू mx प्लस c में इसको एज अ y एक्सिस देखिए और इसको एज अ x एक्सिस देखिए, दिख रहा है y इज द फंक्शन ऑफ x। तो आप देख रहे हैं कि जो स्लोप है दैट इज अ 5/9 और आप देख रहे हैं इंटरसेप्ट -160 है, सी कंपेयर करेंगे तो सी इज द -160 यानी ये -160 है। ये कितना है, ये वो रीडिंग है जब डिग्री सेल्सियस 0 है, अगर डिग्री सेल्सियस को 0, भाई ये कौन सी रीडिंग है, फारेनहाइट पर रीडिंग जब सेल्सियस 0, तो आप सेल्सियस को 0 करेंगे तो क्या आपको दिखने रहा फारेनहाइट में वैल्यू कितनी मिलेगी, मिल जाएगी, क्लियर है। यानी कि आपको डिग्री सेल्सियस सेल्सियस वर्सेस फारेनहाइट अगर बताया जाए तो आपको डिग्री सेल्सियस वर्सेस फारेनहाइट ग्राफ ये मिलता है। ठीक है, इधर है डिग्री सेल्सियस, इधर है डिग्री फारेनहाइट, ये पॉइंट आपके पास है दिस -160 डिग्री सेल्सियस और ये पॉइंट है आपके पास +32 फारेनहाइट, कितना क्लियर है। दिस इज द डायग्राम बिटवीन सेल्सियस स्केल टू द फारेनहाइट स्केल, जरा उसमें चल, उसमें देख रहे हैं फारेनहाइट एज अ फंक्शन ऑफ सेल्सियस। तो फिर आप लिखिए एफ -32/9 इज इक्वल टू सी बाई 5, आपको एफ चाहिए एक तरफ बाकी सब एक तरफ क्योंकि एफ एज अ फंक्शन ऑफ, तो पहले तो 9 फेंक दीजिए उधर, हो जाएगा f -32 इक्वल टू 9/5 सी, 32 को भी उधर फेंक दीजिए कैसा दिखेगा आपको, आपको दिखेगा f इज इक्वल टू 9/5 सी +32। आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर दीजिए, क्या दिख रहा है, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये आएगा क्यों, देखिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप लेस देन 90 है तो वो पॉजिटिव हुआ ना, ये बात तो क्लियर है ना, एक मिनट जरा देख लीजिए। ये y as the function of x, y as the function of x, y as the function of x, y as the function of x and y as the function of x, बताएंगे slope positive है कि slope negative है, slope positive है कि slope negative है, slope positive y less than 90 है, intercept negative है, इसीलिए खींचे हमें लगा ऐसा कि शायद उस ग्राफ में आप कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे y इक्वल टू वो डिसाइड हो रहा है किधर कैसे खींचेंगे, तो इसमें देखिए दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है और ये बता रहा है इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अब जरा इसके बारे में बताइए, थीटा लेस देन 90, ये बता रहा है स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। ठीक है, जरा इसके बारे में बताइए, हाँ ये ग्रेटर देन 90 है सो इट्स अ स्लोप बिकम्स नेगेटिव लेकिन इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, जरा इसके बारे में बताएंगे, हाँ क्योंकि जब डैश डैश करेंगे आप आगे तो ये दिख रहा है ना ग्रेटर देन 90 तो स्लोप हो गया नेगेटिव, इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन है तो सी इज इक्वल टू जीरो,
और जरा लास्ट ग्राफ के बारे में बताइए, अगर ऐसे खींच ले तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 90 होने की वजह से इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया और इंटरसेप्ट तो इसका पॉजिटिव ही है, सी पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है कि हमको एम और सी ही मिल रहा है उस ग्राफ से, उसी को देख करके हम सोच पा रहे हैं कि लाइन कैसे होगी। मान लेते हैं लाइन खींच लिए, तो हाथ रख के देख लीजिए कि एम का क्या सी का क्या। जैसे जब हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो देख रहे हैं स्लोप है 9/5 पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। जरा चेक कीजिए तो स्लोप भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। मान लेते हैं आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं डिग्री फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस देखते रहिएगा, तो 1, 2, 3, 4 क्लियर है, इनमें से एक कोई आंसर है, कोई भी टेम्परेचर स्केल हो इस चार में से एक आंसर होता है। जरा सोच के देखिए तो 9/5 स्लोप पॉजिटिव, तो इसका स्लोप तो नेगेटिव है ना, और इसका भी तो स्लोप नेगेटिव है, चला गया ये दोनों, बचा ये दोनों। इन दोनों में देखिए इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। क्लियर है कौन सा डायग्राम है, एम देखिए ये स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो नहीं हो सकता ना ये, क्यों इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है इसका, मतलब क्या बचा, यही तो बचा, क्लियर है क्या खींचे हुए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हम आपसे कहते कि ये डिग्री फॉरेनहाइट है ये डिग्री सेल्सियस है और हम फिर आपसे कहते कि ये डिग्री सेल्सियस है ये डिग्री फॉरेनहाइट है और हम आपको ये चार लाइनें खींच के दे देते इस तरीके से और आपसे कहते आइडेंटिफाई विच लाइन इज वेल एक्सप्रेसिंग द फॉरेनहाइट स्केल टू द सेल्सियस स्केल, थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था इसको या अलग करना चाहिए था, और फिर से आपको एक डायग्राम देते लाइक दिस, यहाँ डिग्री सेल्सियस है यहाँ डिग्री फॉरेनहाइट है और आपको फिर हम ये चार लाइनें दे देते और इन चार लाइनों में पूछते विच ग्राफ ए बी सी डी इज वेल रिप्रेजेंटिंग द सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन द फॉरेनहाइट। तो फॉरेनहाइट एज अ फंक्शन ऑफ सेल्सियस, फॉरेनहाइट एज द फंक्शन ऑफ सेल्सियस जब कंपेयर कर रहे हैं तो एम भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, ये वो लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। सोच के देख लीजिए क्यों, क्योंकि इसका थीटा लेस देन 90 है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, यानी कि डिग्री फारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेल्सियस के लिए ग्राफ ये मिलेगा। ठीक है, अभी दो और आ रहा है, चार है टोटल एक, और दूसरा जब आप सेल्सियस एज द फंक्शन ऑफ फारेनहाइट देख रहे हैं, देखिए सेल्सियस एज द फंक्शन ऑफ फारेनहाइट तो स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप तो पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव किसका, ये देखिए थीटा लेस देन 90 स्लोप पॉजिटिव, और देखिए इसका इसका स्लोप देखिए इसका दिखा इसका इसका मतलब ये और ये चला गया। क्लियर, क्यों चला गया, क्योंकि जब इसको ऐसे खींच रहे हैं तो इसका स्लोप दिख रहा है नेगेटिव, दिख रहा है इसका स्लोप दिख रहा है, देखिए नेगेटिव, तो दो तो चला गया तो यही दो तो बच रहा है, तो इन दोनों में चेक कर लीजिए कौन सा है। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि आपको इंटरसेप्ट नेगेटिव चाहिए, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब ये बात देख लीजिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव एंड स्लोप इज पॉजिटिव, इसका मतलब है ये लाइन एक्सप्रेस कर रही है टू द डिग्री सेल्सियस वर्सेस डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, मान लेते हैं यही चीज मैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस के लिए खींचता, तो अगर मैं कहता ग्राफिकल वेरिएशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है, तो
तो आप सेल्सियस और केल्विन के लिए रिलेशन देखिए, तो सेल्सियस में होता है सी बाई फाइव और केल्विन में होता है के माइनस 273 बाई फाइव। इतना क्लियर है? जैसे दोनों इक्वेट हो रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको सीधे सीधे C इज इक्वल टू के माइनस 273, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y एक्सिस पे सेल्सियस स्केल कर लीजिए और x एक्सिस पे केल्विन स्केल कर लीजिए, तो कैसा दिखेगा? आपके पास चार ही लाइन होती हैं, एक दो और तीन और चार, कोई भी टेम्परेचर स्केल हो इन्हीं में से किसी एक पे जाता है, ठीक है? आप सेल्सियस वर्सेस केल्विन खींच रहे हैं, ये डिग्री सेल्सियस है, ये आपके पास केल्विन है। जरा कंपेयर कीजिए तो स्लोप पॉजिटिव, किसका स्लोप पॉजिटिव है? इसका और इसका तो स्लोप नहीं है पॉजिटिव, इन्हीं दोनों का है पॉजिटिव, तो इन दोनों में कोई एक है। अब देख रहे हैं क्या इंटरसेप्ट निगेटिव है, देखिए इसका इंटरसेप्ट निगेटिव है नहीं, है ना? और अगर इसका इंटरसेप्ट देखेंगे तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ डिग्री सेल्सियस वर्सेस डिग्री केल्विन, क्लियर है? ये ग्राफ, ये आंसर, यस। अगर आप इस पे हाथ रखेंगे तो केल्विन जीरो है, केल्विन जीरो है तो कितना आ जाएगा ये माइनस 273 आ जाएगा, और जब इस पर हाथ रखेंगे तो सेल्सियस जीरो है, सेल्सियस जीरो करेंगे तो के कितना आ जाएगा, आ जाएगा प्लस 273, ये है डिग्री सेल्सियस वर्सेस केल्विन स्केल, ठीक है? अगर मैं यही कहता यहां पे कि यहां से के निकालिए तो के इज इक्वल टू हो जाता सी प्लस 273। अब आप देखते y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सेल्सियस स्केल वेरिएबल है x पर गई, केल्विन स्केल बदले में चेंज हो रही है, y पर मेंटेन है। फिर आपके पास यहां आप केल्विन एज द फंक्शन ऑफ सेल्सियस ले रहे हैं, ये डिग्री सेल्सियस है, केल्विन एज द फंक्शन ऑफ डिग्री सेल्सियस, और आपको दिख रहा है कि आपके पास फिर वही चार लाइनें मिलनी है आपको, इन्हीं चार में से आपको कोई एक लाइन पिक करनी है। दिस कंपैरिजन कर रहा है तो आपको दिख रहा है कि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, और इसको अगर डैश डैश करके बढ़ाए तो इसका स्लोप भी नेगेटिव, ये दोनों तो चला गया, ये दोनों चला गया, इन दोनों में कोई एक आंसर है, ठीक है? तो इसमें क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है ये कंसीडर करेंगे एज द केल्विन विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री सेल्सियस, जब इस पर हाथ रखेंगे तो के जीरो है, के जीरो है तो सी आएगा माइनस 273, माइनस 273, और जब इस पर हाथ रखेंगे तो सेल्सियस जीरो है, सेल्सियस जीरो करेंगे तो आएगा ये आपका प्लस 273। क्लियर है? चार ग्राफ, इस चार के बाहर नहीं मिलता, जो भी है वो सेल्सियस एंड फारेनहाइट है और सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है? रिमर और रैंकाइन नहीं पढ़ते हैं, फारेनहाइट, ठीक है? कभी नहीं आज तक आया क्वेश्चन, जो आया वो सेल्सियस केल्विन फारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो दो कैलकुलेशन हुआ, एक स्केल में हम आपको टेम्परेचर देते हैं तो आप दूसरे स्केल में बता देंगे, एक दूसरा अगर हम ग्राफिकल वेरिएशन की बात करें तो आप ग्राफिक खींच के बता देंगे, तीसरा जो कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं दैट इज चेंज, जैसे मैं कहता 10 डिग्री से चेंज हो गया टेम्परेचर सेल्सियस में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन फारेनहाइट कितना, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन केल्विन कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्या कहते नहीं है कि सेल्सियस में जितना चेंज होता है केल्विन में भी उतना ही चेंज होता है, तो क्या जितना सेल्सियस में चेंज होता है उतना ही फारेनहाइट में भी चेंज होता है क्या? 10 डिग्री सेल्सियस से फ्लक्चुएट कर जाए टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो करस्पॉन्डिंग फारेनहाइट में कितना चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर इन वन स्केल टू अदर स्केल। इसके पहले क्या कैलकुलेट किया, किस टेम्परेचर इन वन स्केल का इफेक्टिव इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन अदर स्केल कितना होगा, और अब कैलकुलेट करने जा रहा है कि अगर एक स्केल में टेम्परेचर सम डिग्री से फ्लक्चुएट कर जाए तो अदर स्केल में कितना फ्लक्चुएशन परमिसिबल होगा, ठीक है? यानी फ्लक्चुएशंस
कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत आसान है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन फिर से आप लिखते फार्मूला, आपके पास है एफ माइनस 32/9 C/5 R/4 K-273 4 = RK-4 60/10.6 अप्लाइंग डी बोथ साइड, डी लगाने का मतलब है गोइंग टू वेरिएट, ठीक है। डी डी लगाने का मतलब गोइंग टू वेरिएट, डी लगा दीजिए ओवर द एफ माइनस 32/9 आप डी लगा दीजिए ओवर द C/5 आप डी लगा दीजिए ओवर द R/4 आप डी लगा दीजिए ओवर द K-273/4 आप डी लगा दीजिए ओवर द RA-460/10.6 आप देख लीजिए 1/9 तो मल्टीप्लायर है, ये जैसे ही अंदर जाएगा एफ पर डी एफ हो जाएगा, फ्लक्चुएशन इन फारेनहाइट स्केल, और डी ओवर द 32 जीरो हो जाएगा, डी एफ क्यूब बाई 1/9 तो मल्टीप्लायर है बाहर आ जाएगा, और जब डी अंदर जाएगा तो सिर्फ एफ के फ्लक्चुएशन को बताएगा और फ्लक्चुएशन इन 32 जो नंबर है जीरो हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/5 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा सेल्सियस में वेरिएशन, ये 1/4 बाहर आ जाएगा र्यूमर स्केल में वेरिएशन, और ये 1/4 बाहर आ जाएगा ये डी के हो जाएगा कैल्विन में वेरिएशन, और ये हो जाएगा डी रैंकाइन 1/10.6 बाहर आ जाएगा 1/10.6 हो जाएगा डी रैंकाइन और 460 हो जाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा किस टेम्परेचर स्केल में कितने का चेंज करने पर दूसरे टेम्परेचर स्केल में कितने का चेंज आता है। ध्यान से सुनिए, हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। चलिए हम उठाते हैं पहला एग्जाम्पल फॉरेनहाइट और सेल्सियस का, ठीक है। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, अगर मैं आपसे कहता 10 डिग्री सेल्सियस इज चेंज इन टेम्परेचर, इज चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो बताइए कि इज इक्वल टू हाउ मच चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल। क्लियर है, क्या रखेंगे आप डीसी की जगह डेल रखेंगे और फारेनहाइट में चेंज इन टेम्परेचर को डीएफ मान लेंगे, तो आपके पास है ना जगह डीसी बाई 5 डीएफ बाई 9, आपके पास डीसी है ना 10 डिग्री से चेंज हो गई सेल्सियस स्केल, तो डीसी चेंज इन सेल्सियस इज द 10, तो कितना हो जाएगा 10/5 2 और इधर हो जाएगा 18, यानी जो 10 डिग्री का चेंज सेल्सियस में है वो 18 डिग्री का चेंज फारेनहाइट में, तो इसका मतलब यह अगर लगाते तो यही ना हम लगाते तो ऐसे लगाते सॉल्यूशन यहां है। आपके पास सॉल्यूशन में ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन सेल्सियस, आपको सी की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको चेंज इन सेल्सियस दिया गया कि चेंज इन सेल्सियस स्केल है 10, तो आपसे पूछा गया कि करेस्पॉन्डिंग चेंज इन फॉरेनहाइट स्केल कितना होगा, तो दिख रहा है आपके पास चाहिए डीसी बाई 5, फार्मूला है डीसी बाई 5 इज इक्वल टू डीएफ बाई 9, क्या यहां से आपको नहीं पता चल जा रहा है डीएफ by DC is equal to 9/5, दिख रहा है या 9/5 DC,
आप इस डीसी को वहीं वहीं रहने देते, क्या पता चल रहा है नाइन को उधर कर ले तो 9/5 डीसी आपको नेक्स्ट सिस्टम में 9/5 सेल्सियस स्केल पे 10 डिग्री का चेंज है, कितना हो जा रहा है 18 डिग्री, क्लियर है? यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज फॉरेनहाइट स्केल पर 18 डिग्री फॉरेनहाइट के चेंज के बराबर, इतना आसानी से आपको डीसी नहीं देता। ठीक है, जरा दूसरे तरीके से देखिए ये क्वेश्चन, ये कहेगा प्रॉब्लम टू, ये आपसे कहेगा कि इन फॉरेनहाइट स्केल बॉइलिंग बिकम्स 140 डिग्री फॉरेनहाइट, कैलकुलेट द चेंज इन बॉइलिंग ऑफ लिक्विड इन सेल्सियस स्केल। और ये हमने तो लिख दिया है ना, ये इतना भी नहीं बताता, ये ऐसे कहेगा फॉरेनहाइट में बॉइलिंग 150 हो गया तो डेप्रिसिएशन इन सेल्सियस स्केल बताइए, ताकि आप समझ ना पाए पूछ क्या रहा है। ये डेप्रिसिएशन का मतलब है कि ये पूछ रहे हैं कि अगर सेल्सियस स्केल फॉरेनहाइट स्केल में वेरिएशन हो गया होगा तो सेल्सियस में कितना वेरिएशन होगा। जरा सोचिए तो फॉरेनहाइट में बॉइलिंग कितना होता है, अभी 212 निकलवाए थे, इसका मतलब है कि डीएफ निकल गया, 212 की जगह कितना लिखवा दिया, 140 ना, तो ये नहीं पता है कि फॉरेनहाइट में कितना चेंज हुआ। ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग 140 फॉरेनहाइट मेजर की गई, मतलब 212 होती है 140, मतलब कितने से चेंज हो गई, 60 इधर और 12 उधर, 72 डिग्री फॉरेनहाइट का घोटाला हो गया, 40 जो भी है, मतलब अगर सॉल्व करना होता तो आप क्या कहते, यही ना कि फॉरेनहाइट में चेंज 212 की जगह 140 रीड करवा दिया, यानी कि ये आपके पास हो गया 72 फॉरेनहाइट गायब। तो मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में डीसी गायब, तो डीसी और डीएफ का रिलेशन तो ये है आपके पास, डीसी और डीएफ का रिलेशन आपके पास है, डीसी और डीएफ ये है, सिंस डीएफ बाई 9 इज इक्वल टू डीसी बाई 5, ये है। तो यहां से आपको क्या चाहिए, डीसी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा डीसी इज इक्वल टू 5/9 डी एफ, 5/9 और डी एफ आपके पास है 72, 9 और 8 40 डिग्री से, क्लियर है कि जब 72 डिग्री फॉरेनहाइट का चेंज आया होगा इन फॉरेनहाइट स्केल, तो सेल्सियस में सिर्फ 40 डिग्री का चेंज आया होगा, इसका मतलब है डेप्रिशिएशन इन द डिग्री सेल्सियस स्केल ड्यू टू द 40 डिग्री। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन छोड़ देता इसमें कि अगर ऐसा हुआ है तो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड इन सेल्सियस कितना हो गया, ऑब्वियसली अगर 40 डिग्री का घोटाला है तो 100 डिग्री पर पानी बोलता था, अगर किसी वजह से टेम्परेचर वेरी किया है तो 40 डिग्री डिसअपियर हो जा रहा है, यानी कि 60 डिग्री पर ही बॉइलिंग हो गई, तब तो 40 डिग्री का रिजल्ट हुआ। तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं ये, लेकिन उसका मतलब बहुत बारीक होता है। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं, ये तीन कैलकुलेशन पहले थे जिसमें आपने एक फार्मूला लिखा F-32/9C/5R/4 एंड सो ऑन, और उस पर आपने तीन कैलकुलेशन लिखे। अब आपको ये देखना है कि ये आता कहाँ से है, के लिए आप ये सीखिए पहले कि हाउ द थर्मामीटर इज टू बी डिजाइन, एक थर्मामीटर डिजाइन कैसे किया जाता है, तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो अगर एक थर्मामीटर आपको डिजाइन बताएं तो सबसे आसान, आप जो डोमेस्टिक थर्मामीटर आप यूज करते हैं मरकरी थर्मामीटर, उसको आप दो तरीके से देखिए, उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं और उसको फिजिक्स में हम रूल में कैसे सेट करते हैं, ये देख लीजिए तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाउ अ थर्मामीटर इज टू बी डिजाइन। उससे पहले थर्मामीटर डिजाइन करने के लिए आपको एक कोई ऐसी चीज चाहिए जो टेम्परेचर के साथ अपनी वैल्यू चेंज करती है,
अकॉर्डिंगली वो जो भी चीज़ है कॉल्ड एक्स पैरामीटर, जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरी करने पर वो एक्स पैरामीटर वेरी करेगा। हम ढूंढेंगे कि हाउ विथ चेंज इन टेम्परेचर द गिवन एक्स पैरामीटर इज चेंज, टेम्परेचर के साथ एक्स पैरामीटर कैसे चेंज हो रहा है। अगर ये इस्टेब्लिश कर लिया गया रिलेशन तो हम बता देंगे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। जैसे क्या गैस का प्रेशर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करने की। एक बल्ब में कंडक्टर है जो कि में आपने गैस भर ली, अब वो अलग अलग टेम्परेचर पर बल्ब आप रखोगे जबकि वो बल्ब कंडक्ट कर सकती है टेम्परेचर, तो क्या अंदर प्रेशर नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, अब ज़्यादा टेम्परेचर पर रखना है कम टेम्परेचर पर रखना है तो क्या प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है क्या। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वेरी होने वाला प्रेशर अगर हम निकाल पाए तो हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना। इसका मतलब है गैस का प्रेशर इज द एक्स पैरामीटर विच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो बाई मेजरिंग द चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी आर कैपेबल टू मेजर द चेंज इन टेम्परेचर आर द टेम्परेचर जिस पर वो चेंज रीडिंग अपनी चेंज कर रहा है। तो पहला हो गया, इसको हम देंगे नाम देंगे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिक्विड थर्मामीटर भी ले सकते थे लेकिन लिक्विड का एक्सपेंशन उतना बढ़िया नहीं होता है यूनिफॉर्म जितना कि गैस का होता है। तो एक क्वेश्चन में यही कई बार पूछा गया है कि गैस और लिक्विड में किसको प्रेफरेंस देंगे आप, तो ऑब्वियसली हम गैस को प्रेफरेंस क्योंकि होमोजीनस टेम्परेचर वेरिएशन है, क्विक है और लिक्विड में ऐसा है जो पहले टेम्परेचर पाएगा उसका ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा जो बाद में उसका कम, और साथ में लिक्विड हीट होती है तो लिक्विड का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाता है, अरे डेंसिटी वेरिएशन परमानेंट हो रहा है तो इस वजह से वो जल के ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन बाद, तो फिर क्या होगा अमाउंट कम हो गया तो एरर का चांस बढ़ेगा। इसीलिए जो स्टैंडर्ड थर्मोमीटर हो गया वो गैस थर्मामीटर, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड गैस थर्मामीटर बना, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर को इजीली बियर करती है, सेम एक्सपेंशन ऑल अराउंड शो करती है और उसका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन उसका जो टेम्परेचर के साथ है। दूसरा आपके पास क्या है, क्या मरकरी की लेंथ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है। अगर एक कंटेनर में हम मरकरी डाल दें और उसको गर्म करें तो देखिए बहुत तेज वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है मरकरी, तो हम मरकरी को एक कैपिलरी ट्यूब में डाल दें तो वॉल्यूम नहीं लेंथ एक्सपेंशन से हो जाएगा ना भाई, वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं छोड़े लेंथ खाली छोड़े उसके पास, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फट से उसका लेंथ बढ़ने लगेगा। बाई मेजरिंग द चेंज इन लेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स वन कैन मेजर द टेम्परेचर, यानी मरकरी का लेंथ फ्लक्चुएशन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी द एक्स पैरामीटर ऑफ मरकरी थर्मामीटर इज द लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम विच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो बाई मेजरिंग द लेंथ वेरिएशन ऑफ मरकरी कॉलम वन कैन मेजर द टेम्परेचर। तीसरा आइए, क्या मेटलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता। अगर टेम्परेचर बढ़ गया मेटलिक कंडक्टर का तो क्या करंट कम नहीं हो जाएगा, करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब है किसी मेटलिक वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो जैसे जैसे टेम्परेचर वैरी करेगा उस वायर का कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैरी करेगा, बाई मेजरिंग द रेजिस्टेंस वेरिएशन वी आर कैपेबल टू मेजर द टेम्परेचर, नाम रखेंगे प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या सीबेक इफेक्ट में आप नहीं पढ़ते हैं कि थर्मोकपल टू डिसिमिलर मेटलिक स्ट्रिप्स को एंड टू एंड जोड़ दें और टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर दें, तो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते ही तुरंत एक करेंट या ईएमएफ एस्टैब्लिश हो जाता है। बाई चेंजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द थर्मोकपल इज चेंजिंग, मीन्स ईएमएफ टेम्परेचर का फंक्शन, और अगर टेम्परेचर बदलने से ईएमएफ बदल रहा है तो बाई मेजरिंग द वेरिएशन इन ईएमएफ बाई चेंज इन टेम्परेचर वन कैन मेजर द टेम्परेचर, इसको बोलेंगे थर्मोकपल। हम थर्मोकपल का इस्तेमाल अगर ह्यूज या हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं तो इसको थर्मामीटर नहीं पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर और थर्मामीटर दोनों एक ही चीज़ है, अंतर सिर्फ इतना है कि पायरोमीटर का इस्तेमाल हम हाई टेम्परेचर के लिए करते हैं
4000 डिग्री, 5000 डिग्री, 6000 डिग्री, यानी सन एंड फर्नेस, चाहे न्यूक्लियर फर्नेस हो, चाहे कोल्ड फर्नेस हो या स्टार हो, हाई टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है, जबकि लो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम सिर्फ थर्मामीटर कहते हैं। और पायरोमीटर जो होते हैं वो थर्मोकपल होते हैं, सीबेक इफेक्ट पर वर्क करते हैं। देखेंगे क्या, फिलहाल हम आपको फैमिलियर करा रहे हैं कि थर्मामीटर हर उस मेटेरियल का बनाया जा सकता है जिस मेटेरियल में कम से कम कोई एक फीचर ऐसा है जो टेम्परेचर के साथ घटता या बढ़ता है। उस एक पैरामीटर को एक्स पैरामीटर कहते हैं। ये गैस का प्रेशर हो सकता है, मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस हो सकता है, मर्करी की लेंथ हो सकती है, थर्मोकपल का ईएमएफ हो सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लिक्विड का वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर का फंक्शन है। बाय मेजरिंग द चेंज इन वेपर प्रेशर वन कैन मेजर द टेम्परेचर। इस हिसाब से तो बहुत सारे थर्मामीटर बनते हैं। तो हम देखेंगे कि किसी एक थर्मामीटर को ठीक से डिस्कस करें, कंक्लूजन उठा लें, और कोई भी थर्मामीटर हम बोलेंगे तो आपको डेराइव नहीं करना। आप एक लाइन उसका फॉर्मूला जनरेट करें, कहीं से सबसे पहले देखिए आप मर्करी थर्मामीटर, अगर मैं मर्करी थर्मामीटर की बात करूं जो घर में आप फीवर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए क्या उसमें एक नीचे मर्करी टब और एक नैरो कैपिलरी ट्यूब नहीं होती है, और हम इस के कैपिलरी ट्यूब के प्रोटेक्शन के लिए एक ग्लास कवर लगा देते हैं ताकि सिर्फ मर्करी के टब के थ्रू हम सेंसेशन कर सकें। दिस ये इतना मर्करी है, ये नैरो कैपिलरी ट्यूब है प्रोटेक्टेड बाय ग्लास, इसमें हमने मर्करी फिल कर दी, मर्करी फिल कर दी, ये है टोटल मर्करी, देखते रहिए, ठीक है। अब अगर इसको हॉट बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो देखेंगे ये ऊपर चढ़ रहा है, कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो देखेंगे नीचे उतर रहा है। अब एक तरफ हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं और एक तरफ डेली लाइफ में इसको देख रहे हैं कि डेली लाइफ में डायरेक्ट टेम्परेचर कैसे बता देगा। तो अगर हम इसको सबसे पहले आइस के कांटेक्ट में रखें कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, तो देखते हैं कि इसकी लेंथ इतनी शो कर रहा है, यानी ये बॉटम मोस्ट हो गया के रिस्पेक्ट में, जब आइस के कांटेक्ट में रखें तो ये जो रीडिंग जनरेट कर रहा है ये इसको बोलते हैं लेंथ एट 0°C, एल जीरो जो भी है, उधर हम फिजिक्स चला रहे हैं, इधर हम इसको सीधे सीधे लिखते हैं 0°C, मतलब मर्करी अगर धुआं तक है तो कंफर्म है 0°C। और अब इसको बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, जब बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो टेम्परेचर हाई, फट से एक्सपेंशन हुआ और ये चढ़ के यहाँ कहीं पहुंच गया। अगर यहाँ पहुंच गया तो हम फिजिक्स में इधर लेके चल रहे हैं, जो भी ये लेंथ शो करेगा दैट इज कॉल्ड लेंथ एक्वायर्ड एट 100°C, इतना क्लियर है कि कुछ भी सकता है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, जो भी चढ़ा होता है, ठीक है, उसको नाम दे रहा है L100। L100 का मतलब लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम एट 100°C, L0 का मतलब लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम एट 0°C, ठीक है। अब अगर हम इधर लिखें तो इधर हम सीधे सीधे 100° लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि तो बॉइलिंग वाटर के कॉन्टेक्ट में था ना, क्यों। अब जरा फिजिक्स वाला छोड़ दीजिए, तो कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जब हम इसको 0° के कांटेक्ट में रखेंगे तो ये यहाँ तक मिलेगा कॉल्ड 0°, और ये जब भाग करके वाटर के कांटेक्ट में आएगा 100° पर तो भाग के वहाँ पहुँच जाएगा। इस यहाँ से यहाँ तक अगर हम 200 लाइंस खींच डालें तो क्या पर लाइन हाफ डिग्री को नहीं शो करेगा, 200 लाइन खींचे तो हाफ डिग्री, और 100 लाइन खींचेंगे तो 1°, 1°, 1°, यानी कि कैलिब्रेट कर रहे हैं। अगर ये हाइट कर लेते नो प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड तो डेली लाइफ के लिए रूल होता कि यहाँ से यहाँ तक हम जब इस पे लाइन खींच लेते ऐसे तो हमें पता चलता रहता कि पर डिवीजन का मतलब कितने टेम्परेचर से है। जब किसी भी बॉडी जिसका टेम्परेचर जानना था उसके कांटेक्ट में इसको लेके आते तो फिर भाग के कहीं चढ़ जाता से इतना चढ़ गया ये, तो चढ़ गया तो इधर से तो उसका नाम LT पड़ेगा, लेकिन इधर से डिवीजन काउंट कर ले तो क्या बता रहे थे, क्यों मान लेते हैं 100 बराबर डिवीजन काट लेते तो पर डिवीजन 1° हुआ, और हम देख रहे हैं कि ये 65th डिवीजन पर जाके हैंग हो गया,
क्या मतलब होगा 65 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया रिमूव, क्यों? क्योंकि आपने आइस के कांटेक्ट में रखा तो मरकरी कितना था, आपने लेंथ नहीं मेजर किया, आपने कहा कि अगर मरकरी यहाँ दिखेगी तो टेम्परेचर जीरो होगा, अगर यहाँ दिखेगी तो 100 डिग्री होगा, और बीच में बराबर आपने कॉलम बना डाले, ठीक है, कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो आपने कैलिब्रेट कर लिया, अब इधर क्या चल रहा है, मरकरी की लेंथ की तीन रीडिंग आएगी, एक जीरो डिग्री पर आएगी, एक 100 डिग्री पर आएगी, एक एट एनी टेम्परेचर पर आएगी। अब जरा इसको फार्मूले में देखिए तो क्या ऐसा नहीं है कि लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्रोपोर्शनल टू 100 डिग्री सेल्सियस, अरे मोर टेम्परेचर मोर लेंथ, क्या टेम्परेचर एट, अगर लेंथ एट एनी टेम्परेचर देखें तो क्या प्रोपोर्शनल टू दैट टेम्परेचर नहीं हो जाएगा जो हम जानना चाहते हैं, और अगर हम लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री देख रहे हैं तो प्रोपोर्शनल टू 0 डिग्री हुआ सेल्सियस, क्लियर है, तीन रीडिंग जनरेट हुई, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज से Lg, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्रोपोर्शनल टू 100 डिग्री सेल्सियस, एट द लेंथ ऑफ एनी अननोन टेंपरेचर जब देखेंगे तो से इट इज द Lt। तो क्या यहां से हम देखिए L 100 कितना तो हर बार रहना है, L 100 में से भी हटा लें और Lt में भी से हटा लें, आसान हो जाएगा ना, यानी यहां से हम क्या करें, हम यहां से अगर Lt माइनस L 0 लिखें तो कितना हो जाएगा, Lt माइनस L 0 T माइनस 0 T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये T डिग्री सेल्सियस माइनस लिख रहे हैं जानबूझ के, इतना क्लियर है, क्यों T डिग्री सेल्सियस में, और अगर हम L 100 माइनस L 0 लिखें, भाई L 0 तो हमेशा मेंटेन रहेगा ना उतना, तो हायर में से माइनस कर दें एनी वाले में से माइनस कर दो तो कैसा दिखेगा, Lt माइनस L 0 और L 100 माइनस L 0 प्रोपोर्शनल हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, रेशियो ले लें, इनका रेशियो ले लें तो कैसा दिखेगा, Lt माइनस L 0 अपॉन L 100 माइनस L 0 इज इक्वल टू, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कटेंगे, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, क्या ऐसा नहीं लग रहा है, T डिग्री फारेनहाइट माइनस 0 डिग्री इज द लोअर पॉइंट सेल्सियस का, तो फारेनहाइट का लोअर कितना होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, ये क्या है अपर टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, तो अपर टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री इज द बॉइलिंग सेल्सियस में, तो 212 हो जाएगा फॉरन में, फॉरनहाइट में 212 माइनस ये हो जाएगा 32 डिग्री, क्या यही चीज केल्विन में लिखना होता तो एनी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल माइनस 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर 273 है ना, 273 अपान 100 डिग्री का केल्विन में वैल्यू कितना हो जाएगा 373 और माइनस 0 डिग्री का केल्विन में वैल्यू, मतलब ये कितना हो जाएगा दैट इज 273, क्या ये फार्मूला नहीं बन रहा है, एनी टेम्परेचर स्केल रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, टेस्ट ये तो सबके लिए लिखने वाले हैं, सबके लिए लिखने वाले हैं, तो क्या रहा है एनी जो भी स्केल हो उसका एनी टेम्परेचर रीडिंग, एनी टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब आपके पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आ गया, एनी टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, ये कोई भी स्केल हो, हर स्केल का एक अपर फिक्स्ड होता है एक लोअर फिक्स्ड होता है, और एक एनी टेम्परेचर है जो आप जानना चाहते हैं तो ये कांस्टेंट कर सकते हैं। अब जब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं कहता सेल्सियस में लिखिए, तो सेल्सियस में वो रीडिंग माइनस सेल्सियस की लोअर रीडिंग अपान
सेल्सियस की अपर रीडिंग माइनस सेल्सियस की लोअर रीडिंग, इतना क्लियर है? मैं कहता हूं ना फारेनहाइट में लिखी, तो फारेनहाइट में टेम्परेचर की एनी रीडिंग माइनस फारेनहाइट का लोअर,